तो आई वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग, न्यू डे के न्यू नाइट हो रहा है और पहुंच गए हम लोग संबलपुर। सुबह सुबह 12:35 पे संबलपुर का डीओ था आज, क्योंकि आज साला साली आ रहा था तो उन लोगों को सब व्यवस्था करने में टाइम लग गया। और पीछे जो गाड़ी खड़ा है वो मेरी ही गाड़ी है, हम रिलीफ हो चुके हैं और अभी रनिंग रूम जाएंगे क्योंकि अभी भी टाइम हो रहा है 7:30 और अभी कोई गाड़ी नहीं है। तो रनिंग रूम जाएंगे और रनिंग रूम के बाद 12 बजे गाड़ी है तो 12 बजे आएंगे। चलिए 12 बजे के बाद मिलते हैं 12 बजे। अभी रनिंग रूम चलते हैं, देखते हैं क्या खाने पीने का व्यवस्था है। खाना बना तो ऐसा लाया है, देखते हैं अगर खाना पीना कुछ मिल जाए अच्छा तो वह खा लिया जाएगा, जो टिफ़िन खा लिया जाएगा। तो भाई खाना पीना हो गया है, घर से जो टिफ़िन लाया था उसका टिफ़िन का भुंजिया था तो भुंजिया खा लिया, यहाँ से रोटी और चावल ले लिया। फिर दोपहर में भी दोपहर में चावल खाए थे, अभी भी थोड़ा चावल खाने मन किया तो खा लिया, बहुत भयानक खा लिया भाई, टाइट हो गया पूरा। जान रहे तो सोना ही है, 12 बजे गाड़ी है, थोड़ा सा सोई है अभी, 8 बजे का सफ़र रहा है तो आगे पर उठ के जाना है। देख लीजिए संबलपुर का रनिंग के रूम का नज़ारा, होटल का जैसा है भाई, मस्त है। यहाँ का रनिंग रूम मेरे डिवीजन से तो फार बेटर मेरे को लगता है, वैसा काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, हर रूम में एसी है और एसी वर्किंग है। हम लोग यहाँ सब जगह रहता है पर वर्किंग नहीं रहता, मेंटेनेंस सही नहीं रहता, ये एक प्रॉब्लम है CKP डिवीजन में। जा चलिए रूम ही चलता। आज मिला था WAG 9, लेकिन WAG 9 का AC उसमें लगा हुआ था, AC से याद आ गया WAG 9 का AC का कि AC लगा हुआ था बट AC नॉट वर्किंग। तो जो मेरे से पहले जो मेरे को चार्ज दिया जो ड्राइवर, वो PPO में फ़ोन किया था। PPO मतलब होता है कि हर इंजन का जो सेट होता है, जहाँ का इंजन रहता है वहाँ पर जो उसका हेड रहता है उसको PPO बोला जाता है, पावर कुछ बोला जाता है, पावर कंट्रोल समथिंग ऐसे कुछ। तो अभी 2 महीना भी नहीं हुआ अभी, तो इसी महीना वो पावर रिपेयर हो गया निकला है और AC नॉट वर्किंग हो गया। तो हर पावर जितना भी इंजन है, पावर का मेंस पावर का इंजन हम लोग पावर पर बोलते हैं इंजन यानी कि, तो सब इंजन जो रहता है वो आपका हर 2 महीना में इंस्पेक्शन होने जाता है, किसी का 2 महीना किसी का 3 महीना, लेकिन सब इंस्पेक्शन होने जाता है और इंस्पेक्शन होकर जाता है। जितना भी हम लोग असिस्टेंट, जो भी असिस्टेंट रहता है, जो भी गाड़ी में फॉल्ट रहता है वो उसको एक बुक रहता है, इसको हम लोग लॉग बुक बोलते हैं, वो लॉग बुक में लिखते रहता है कि इसमें यह फॉल्ट है, इसमें वो फॉल्ट है, उसमें फॉल्ट है। 2 महीने बाद जब पावर शेड में जाता है, ठीक है, उसका पिताजी का घर जब जाता है तो जो जो चीज़ लिखा रहता है उसको रेक्टिफाई करता है। तो इसलिए हम असिस्टेंट को बोलते हैं कि कुछ भी अगर छोटा सा लाइट भी अगर नहीं चल रहा तो भाई लिख दो, ताकि साइड में जाएगा तो कम से कम उसको रेक्टिफाई हो जाएगा। और AC का बोले तो बोला कि AC जब सेट से निकला था तो काम कर रहा था, तो मैंने 4 दिन में सेट से निकला और इधर खल्ला सॉरी, यही सब परेशानी है। तो भाई यहाँ का रनिंग रूम का कुछ हाल ऐसी है और काफ़ी अच्छा हाल है हम तो बोलेंगे, और AC वगैरह लगा हुआ भाई चल रहा तड़तड़ा के एकदम। तो भाई नया सब्सक्राइबर जो रनिंग रूम नहीं देखा है तो भाई रनिंग रूम का कंडीशन कुछ इस तरह रहता है, उधर असिस्टेंट का बेड है, इधर मेरा बेड है, 2 बेड है। तो सब जगह लेकिन इस तरह से फैसिलिटी मिलता है कि नहीं इसका गारंटी आप मिल सकते भाई, कोई डाइनिंग रूम में फैसिलिटी मिलता है कोई डाइनिंग रूम में नहीं मिलता है। हम देखें जहाँ पर गुड्स लॉबी होता है, मतलब गुड्स का बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है, वहाँ का लॉबी को जल्द मेंटेन नहीं कर पाता है ज़्यादातर, लेकिन कोचिंग पैसेंजर लॉबी जितना रहता है ज़्यादातर वो मेंटेन रहता है। मोस्ट ऑफ पैसेंजर का क्रू यहाँ पर स्टे करता है, गुड्स का भी करता है पर मोस्ट ऑफ पैसेंजर का, तो इसीलिए फुल्ली मेंटेन रहता है। ना फिर हम लोग तरफ CKP डिवीजन
जैसे सीकेपी डिवीजन में फुल्ली 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 गुड्स वर्किंग, मतलब फुल्ली मतलब क्या 98% मान के चलिए गुड्स वर्किंग है, तो पता नहीं क्यों मेंटेन नहीं कर पाता है। तो भाई टाइम हो रहा है कुछ 12:20 के आसपास और सोए तो जगह मिल गया था, लेकिन दो स्टेशन पहले उड़ गया क्योंकि आँख लग जा रहा है, नींद बहुत ज़ोर से आ रहा है। यानी कि झारसुगुड़ा पार करके फिर सीधे राहुल केला चल गए, झारसुगुड़ा स्टॉपेज उसके बाद फिर सीधा उधर ही है, इसीलिए कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। पहले इधर आगे खड़ा हो के हम लोग जो खड़ा रहता है थोड़ा देरी बाहर में, उससे बढ़िया है। तो भाई आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और एक छोटा सा वीडियो है जो हम लोग का रेलवे का ग्रुप में एक से एक तरह का वीडियो आते रहता है, उसी में से एक वीडियो आया है कि कैसे स्टेशन मास्टर को भगा दिया है और उसके जगह एक बड़ा बाबू आके वहाँ बैठा हुआ है जिसको छोड़ने का हिम्मत किसी स्टेशन मास्टर को नहीं है। देखिए वीडियो मुझे लीजिए और अगला ब्लॉग फिर अगला दिन मिलेगा यार, टेंशन क्या लेना क्या है।